इन द प्लांट किंगडम, पूरे प्लांट किंगडम में सेल्स दो तरह के दिखाई देंगे, हैप्लॉइड सेल्स एंड डिप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में ज्यादा डिप्लॉइड सेल दिखेंगे, अलगी में हमें देखेंगे हैप्लॉइड सेल्स ज्यादा दिखेंगे। लेकिन दोनों तरह के सेल्स पॉसिबल है प्लांट्स में। अब हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, दिस आल्सो डिवाइड्स बाय माइटोसिस, दोनों में माइटोसिस होता है। हैप्लॉइड सेल्स में अगर माइटोसिस हो रहा है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी हैप्लॉइड बनेगा, और ये हैप्लॉइड प्रोडक्ट्स यहां पे कहलाएंगे गैमिट्स। यानी कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के समय माइटोसिस के द्वारा हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करता है, और यह हैप्लॉइड सेल गैमिट कहलाता है। अलगी के केस में हमने पढ़ा था कि गैमिट्स मोटाइल हो सकते हैं अगर फ्लैजिला मौजूद है, नन मोटाइल हो सकते हैं अगर फ्लैजिला एब्सेंट है, एक ही मॉर्फोलॉजिकली सेम है तो आइसोगैमी, अगर डिफरेंट है गैमिट्स मेल एंड फीमेल एन आइसोगैमी, और अगर एक स्टेशनरी और एक मोटाइल है तो ऊगैमी। सारे केसेज हमें दिख रहे हैं लेकिन ये सारे गैमिट्स हैप्लॉइड हैं। माइटोसिस के द्वारा अगर प्लांट बॉडी बनता है, माइटोसिस ही हो रहा है और प्लांट बॉडी बन रहा है, सेल नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया, फ्यू सेल हो गया, या एक ही सेल वाला प्लांट बॉडी बन रहा है, तो इस प्लांट बॉडी को हम लोग कहते हैं गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट हैप्लॉइड सेल्स और प्लांट्स वेन प्रोड्यूस प्लांट बॉडी बाय माइटोसिस, दिस प्लांट बॉडी इज कॉल्ड गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये माइटोसिस के द्वारा, इसी माइटोसिस डिवीजन के द्वारा गैमिट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमिटोफाइट्स आर दोज प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूस गैमिट्स, गैमिट्स बाय माइटोसिस, माइटोसिस। तो माइटोसिस ही हो रहा है यहां पे, माइटोसिस से गैमिट्स भी बन रहे हैं, माइटोसिस से प्लांट बॉडी भी डेवलप हो रहा है। अब देखिए, गैमिट्स मेल गैमिट हो सकते हैं, फीमेल गैमिट हो सकती है। ये गैमिट्स जब फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो बनता है जाइगोट। जाइगोट क्या हो गया? टू डिप्लॉयड, डिप्लॉयड सेल है, वन सेल जो डिप्लॉयड है। अगर इसमें माइटोसिस होता है तो प्लांट बॉडी बनेगा, प्लांट बॉडी, और यह प्लांट बॉडी कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। इस प्लांट बॉडी को हम लोग कहेंगे स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट को डिफाइन करना हो तो वह प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस आर कॉल्ड स्पोरोफाइट। वह प्लांट बॉडी जो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है मियोसिस के द्वारा, उसको कहेंगे स्पोरोफाइट्स। तो स्पोर्स क्या है? हैप्लॉइड है। किससे बने? स्पोरोफाइट से। किस मेथड से बने, किस डिवीजन से बने? मियोसिस से बने। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे तो क्या बनाएंगे? माइट, गैमिटोफाइट। और जर्मिनेट होंगे यानी कि इसमें सेल डिवीजन होगा,
और वह सेल डिवीजन माइटोसिस होगा। अगर एक ही सेल वाले होंगे तो माइटोसिस नहीं रिक्वायर्ड है, ग्रोथ होगा, गैमेटोफाइट बन जाएगा। अगर एक से ज़्यादा सेल वाले गैमेटोफाइट है तो माइटोसिस होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे और गैमेटोफाइट बनेगा। तो दो टर्म हमारे सामने आ गए, पहला टर्म है हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, फिर से इसको थोड़ा सा मिटा के लिखते हैं, हैप्लॉयड प्लांट बॉडी, हैप्लॉयड प्लांट बॉडी, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, एंड डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। हैप्लॉयड गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स। गैमेटोफाइट्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमेट्स। स्पोरोफाइट्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्पोर्स। गैमेटोफाइट गैमेट्स किस डिवीजन से करेंगे? माइटोसिस। यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। स्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे? जर्मिनेट क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। और गैमेट्स फ्यूज होके क्या बनाएंगे? मेल गैमेट फीमेल गैमेट, जाइगोट। और जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड। और जाइगोट डेवलप होके क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। तो प्लांट्स के लाइफ साइकिल में दोनों स्टेज आ रहे हैं, गैमेटोफाइट भी आ रहा है और स्पोरोफाइट भी आ रहा है। गैमेटोफाइट गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट माइटोसिस से डेवलप होता है तो स्पोरोफाइट हो जाता है। स्पोरोफाइट्स मियोसिस करता है, स्पोर्स बनाता है, स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, गैमेटोफाइट बनते हैं। तो दोनों स्टेजेस प्लांट के लाइफ साइकिल में दिख रहा है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट। यह अल्टरनेशन चलता रहता है एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस एंड इट इज प्रीवेलेंट फ्रॉम द एल्गी टू द एंजियोस्पर्म्स, दोनों में दिखेगा। तो ये टर्म हमारा हो गया अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। नाउ सी, जिन प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट है, फोटोसिंथेटिक, अब फोटोसिंथेटिक यही है मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, इंडिपेंडेंट है, कैसा दिख रहा है? थैलॉयड या इरेक्ट, इरेक्ट। थैलॉयड क्या है? जहां पे प्लांट बॉडी अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हुआ कि प्लांट बॉडी में रूट जैसा, स्टेम जैसा, लीफ जैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिख रहा हो, अनडिफरेंशिएटेड है। वह वन सेल का भी हो सकता है, अलगी एस्पाइर वगैरह केस में देख रहे हैं, वॉल बॉक्स के केस में देख रहे हैं, या मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ब्रायोफाइट के केस में देखते हैं। इरेक्ट या अप्रेस्ड, सरफेस में फैला हुआ हो सकता है या इरेक्ट खड़ा भी हो सकता है। तो यह जो है गैमेटोफाइट है, इसके ये कंडीशंस है। दूसरा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट हमेशा जो है वन सेल भी, वो स्पोरोफाइट सिंगल सेल भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है,
इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट हो सकता है या टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट हो सकता है। अब इसका मतलब देखेंगे, टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट। अगर गैमेटोफाइट की बॉडी पे ही स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है, ब्रायोफाइट के केस में दिखता है, गैमेटोफाइट के बॉडी पे ही एंकरेज है, सपोर्ट है और न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है स्पोरोफाइट, तो सच स्पोरोफाइट इज कॉल्ड डिपेंडेंट। एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स के टाइम में हम क्या देख रहे हैं, एक मैंगो ट्री, नीम ट्री, इन सबको आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि वैस्कुलर स्पोरोफाइट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है। तो ये सारे वेरिएशंस प्लांट किंगडम में हमको दिखेंगे। अब देखेंगे कि डोमिनेंट कौन सा फेज है, यानी कि लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा समय तक कौन सा फेज है, वह फेज कहलाएगा डोमिनेंट फेज। अगर गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक है और ज्यादा देर तक लाइफ साइकिल में दिख रहा है तो सच लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हैप्लोन्टिक। अगर स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट है तो इसको कहेंगे डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो दो तो टर्म्स क्लियर हो गया, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, और तीसरा इंटरमीडिएट कंडीशन आ सकता है जिसमें कुछ समय के लिए गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, कुछ समय के लिए स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, सच लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हैप्लो डिप्लोन्टिक। डिप्लोन्टिक, हैप्लो डिप्लोन्टिक। हैप्लोन्टिक में मैक्सिमम एल्गी हमें मिलेगा, यहां पे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, और यहां पे मिलेंगे ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अब अल्गी में देखिए वॉलवर्क्स, स्पाइरोगायरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास हैप्लोन्टिक। डिप्लोन्टिक में भी अलगी हमें मिल जाएंगे फ्यूकस, और कुछ अलगी मिलेंगे हमको हैप्लो डिप्लोन्टिक में, एक्टोकार्पस, पॉली सिफोनिया, केल्प्स, ईटीसी। कैसा है लाइफ साइकिल इनका, हैप्लो डिप्लोन्टिक। फ्यूकस अलगी है, सिंगल सेल्ड है, लाइफ साइकिल डिप्लोन्टिक। वॉलवर्क्स स्पाइरोगायरा हैप्लोन्टिक। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल एंड द इंटरमीडिएट हैप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, इसको मिटाया जाए। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल को एक साइक्लिक फेज में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मेन फेज जो है वह क्या है, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट सिंगल सेल भी हो सकता है, फ्यू सेल भी हो सकता है। यहां पे क्योंकि अलगी का केस ज्यादा है हमारा यहाँ पे, तो ये सिंगल सेल ही है। किससे डेवलप करेंगे गैमेटोफाइट्स, फ्रॉम द स्पोर्स, स्पोर्स, और स्पोर्स जर्मिनेट करेगा गैमेटोफाइट में। गैमेटोफाइट में प्रोड्यूस होंगे गैमेट्स, गैमेटोफाइट्स गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, गैमेट्स फर्टिलाइज होंगे और बनेगा सिंगल सेल्ड जाइगोट।
यह जाइगोट रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफाइट को, अब जाइगोट क्या है, वन सेल्ड है, फ्री लिविंग है, नहीं, डिपेंडेंट है ऑन द गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट क्या है, फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अपना फूड बना रहा है, तो यह फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग या इंडिपेंडेंट। मेन प्लांट बॉडी है, थैलोइड है, सिंगल सेल्ड है। तो स्पोरोफाइट कैसा है, यहां पे वन सेल्ड है, सिंगल सेल्ड एंड शॉर्ट लिव्ड। दो करैक्टर यहां पे हमें दिख रहे हैं, बाकी पूरा लाइफ साइकिल इज डोमिनेटेड बाय गैमेटोफाइट। तो सच लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, बिकॉज क्यों, क्योंकि गैमेटोफाइट हैप्लोइड होते हैं। क्लियर? नाउ सी द डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल, डिप्लोइडिक को देखते हैं। डिप्लोइडिक रिवर्स केस साइकिल से रिप्रेजेंट करेंगे। मेन प्लांट बॉडी क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। यहां पे कैसा होता है स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड होता है, क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस यही कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसका मतलब फ्री लिविंग हो गया, डोमिनेंट है लाइफ साइकिल में, मेजर टाइम इसी के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर्स, स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट्स, गैमेट्स फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट, और जाइगोट स्पोरोफाइट। तो अब जाइगोट आते ही 2N आ गया, और स्पोर्स बनते ही N आ गया, तो यहां भी देख रहे हैं कि मेजर पोर्शन ऑफ द लाइफ साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पोरोफाइट, जो फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है, डोमिनेंट है, और गैमेटोफाइट कैसा है, वह सिंगल सेल्ड है या फ्यू सेल्ड गैमेटोफाइट है। एग्जाम्पल हमने देखा ही था, यहां पे एग्जाम्पल हमारा है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तीसरा इंटरमीडिएट कंडीशन को देखेंगे हम लोग, हैप्लो डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल, हैप्लो डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल। दो केस है, एक केस हमारा ब्रायोफाइट का है, ब्रायोफाइट, और दूसरा केस हमारा टेरिडोफाइट का है।
दो केस। ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट है और यहां डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है और मल्टी सेलुलर है। यहां पे पहली बार हमको मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट दिख रहा है। स्पोरोफाइट भी मल्टी सेलुलर है, तो डोमिनेंट मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक, ये तीन कैरेक्टर ले रहे हैं और यहां पर ये इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है ब्रायोफाइट के केस में। टेडोफाइट के केस में सेम कंडीशन है, फ्री लिविंग है, डोमिनेंट है, मल्टीसेलर है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है। गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन होगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट के केस में डिपेंडेंट है टोटली और पार्शियली, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, इसके लिए एंकरेज एंड न्यूट्रिशन। डिपेंडेंसी है यहां पे, दो रिक्वायरमेंट्स है, एंकरेज एंड न्यूट्रिशन, तो यह लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रायोफाइट के केस में हैप्लो डिप्लोंटिक। डिफरेंसेज है दोनों में, जो डिफरेंस है यहां से हम लोग मार्क करेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है और गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा ये भी, और यह गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग है और दिस गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग या इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड, लाइफ छोटी है इसकी, ये भी शॉर्ट लिव्ड होता है, न्यूट्रिशन एंकरेज, ये भी शॉर्ट लिव्ड होता है। स्पोरोफाइट यहां पे शॉर्ट लिव्ड फ्री लिविंग या इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड, ध्यान देने की बात है, बट शॉर्ट लिव्ड। और दूसरा, न्यूट्रिशन इसका कैसे होगा, स्पोरोफाइटिक भी हो, सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है और फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, सेप्रोफाइटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों पॉसिबल है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि यहां पे ब्रायोफाइट का डोमिनेंट फेज क्या है, गैमेटोफाइट है, हैप्लोइड है और अल्टरनेट होता है 2n डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से, तो इसको हैप्लो डिप्लोंटिक कहते हैं, और यहां पे ये डिप्लॉयड है और अल्टरनेट होता है हैप्लोइड से, तो डिप्लो हैप्लोंटिक भी कहते हैं, लेकिन जनरल टर्म यही है कि दोनों में हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल जो NCERT कह रहा है, अलग अलग अथर्स ये नाम भी यूज कर लेते हैं टेडोफाइट में और ब्रायोफाइट में। एक डायग्राम से भी इसको देख लेंगे, थर्ड डायग्राम जो हमारा है, इसे रब कर दो तो सामने आ जाएगा। वही बना लेंगे, साइकिल बना लेंगे, डायग्राम जरूरी है।
साइकिल बन गया। अब साइकिल का सेंटर ले लो गैमेटोफाइट हैप्लोइड स्पोरोफाइट डिप्लोइड। स्पोरोफाइट में क्या बनेगा? गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट सेम मल्टी सेलुलर, और इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे जो प्रोड्यूस करेंगे स्पोर्स, और स्पोर्स जर्मिनेट होंगे। लाइफ साइकिल का पैटर्न यही चलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दो तरह के लाइफ साइकिल हैं, गैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल जिसको हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं, स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल जिसको डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। दोनों अल्टरनेट होते हैं इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, दोनों फेज आते हैं। अब दोनों में जो डोमिनेंट है, जो ज़्यादा समय तक है, जो फोटोसिंथेटिक है, वह मेन उसका लाइफ साइकिल हो जाएगा। जैसे अलगी केस में गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है, तो वह लाइफ साइकिल हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल होगा, क्योंकि गैमेटोफाइट्स हैप्लोइड सेल्स होते हैं। और रिवर्स केस जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स में जो डोमिनेंट फेज है, डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, वेस्कुलर प्लांट बॉडी है, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है, वह डिप्लॉयड है, तो वह स्पोरोफाइटिक है प्लांट्स, और वह लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ब्रायोफाइट्स के केस में और टेडोफाइट्स के केस में इंटरमीडिएट कंडीशन है। दोनों को हमने समझा, डिफरेंसेस पे फोकस करना है, और वीडियो को बार बार देखें, और आपके कंटेंट थ्योरी भी पढ़ना है। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको पहले की तरह ही पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।